ये देखो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आप सभी को, हैप्पी दिवाली। यहाँ पे अपना मैगी वगैरह बन रहा है, ये देखिए ऐसा कुछ मैगी है जिससे मैंने चार दोस्तों मिले थे वो रास्ते में, तो मैं बोल रहा था मिलने के लिए इनसे, भाई से, इसलिए मैं ऑफिस दोबारा आया भाई से मिलने के लिए। यार सुबह हो चुकी है अभी और दो भाई लोग टेंट लगा के लगाए, जो लोग रुके थे कल रात वो चले गए अभी, अपने टेंट अभी यहीं पे है और एक भाई वहाँ देखो ब्रश चल रहा है वहाँ पे, और दो भाई लोग चले गए नहाने के लिए, तो अभी हम भी चलते हैं गौरीकुंड में नहाने के लिए, उसके बाद आगे प्लान देखते हैं। प्लान कुछ चेंज हो रहा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, तो देखते हैं। और गौरीकुंड में देखो भीड़ हो रही सुबह सुबह, रात भर ने सोने नहीं दिया, उसमें इतना हल्ला गुल्ला चल रहा है यार, सामने ऐसा है पावर है भीड़। गर्म पानी सब मजे ले रहे हैं, फ्री का गर्म पानी, क्योंकि रे तैयार है हमारे जवान नहाने के लिए। A few moments later. तो फाइनली अब स्नान कर लिए हैं हम यूपी, हम अभी यूपी ट्राई कर रहे हैं भाषा, हम स्नान कर लिए हैं, और हमारे साथ भाई लोग ने भी कर लिए हैं, ये भी कर लिए हैं। क्या चीज़? इसके बाद आप चलते हैं वहाँ जहाँ टेंट वेंट लगाए सीधे, और आज तो मैंने डुबकी मारी है उसके नीचे, उसके बाद आगे तक डुबकी नहीं मार पाया, आज लेकर हमारे भाई ने कोई डुबकी मारी है आराम से नहाया उसके अंदर। A few hours later. तो भी finally tent वगैरह pack करके हम लोग आ चुके ऊपर को। हमारे साथ भुवन भाई, भुवन मम बने बड़े बने हैं, सस्ते भुवन मम बोल सकते हमने। अभी सच में लग रहे थोड़ा कमेंट के बताना लग रहे नहीं लग रहे, अभी चलते हैं सामान थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने, और थोड़ा सामान ये जाना है, चलो चलते हैं। तो भाई लोग आगे चल रहे हमारे, तो फाइनली भी अभी ऐसा हो रहा है कि कुछ सामान जितना भी जरूरी सामान वही ले जा रहा हूँ अभी में, बाकी सारा सामान यही खुल के छोड़ के जा रहे हैं। अरे भैया भैया एक साइकिल, ये साइकिल भी यहीं छोड़ेंगे और इसमें सामान भी यहीं रखा है थोड़ा बहुत, बाकी कोई सामान देखते हैं ले जाने के ले जाने के। और ये ना ये मेरा बैग है, थोड़ा बहुत खाली हो गया मेरे, मैंने भी थोड़ा बहुत कपड़े और एक अपना सेट कुकिंग सेट यहाँ रखा है, और टेंट मेरा यहीं रहेगा, बाकी मैं भैया के साथ एडजस्ट करूँगा रात को। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और अभी चल रहा है मैं नाश्ता, जा रहा हूँ नाश्ता वास्ता करें, चाय चाय और पराठे वगैरह, उसके बाद चले गए दोबारा जा रहा हूँ, परसों यहाँ से नीचे आया था, अभी वापस दोबारा जा रहा हूँ, स्टेमिना भरपूर है दोबारा जा रहा है। तो अभी बज गए सुबह के 10 और धूप आ चुकी है यहाँ पे, बाकी हमारे भाई ने दोबारा से ऑफिस केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर ली है, प्लानिंग क्या कर ली मतलब मान लिया कि जा रहे हैं हम लोग, बाकी भाई एक भी हमें साथ बने हैं, दो भाई लोग नीचे गए हैं लाला के वहाँ से चाय का सामान लेने के लिए, चाय का सामान हम खुद को बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन फिर लास्ट में जो आया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, उसके बाद हमने उसको ऑफिस दोबारा भेजा, बाकी अपना भाई सामान थोड़ा बदल गया क्योंकि मेरा टेंट जो नीचे ही है, और जो भैया का टेंट है दूसरे भाई का टेंट है उसको मैंने अपने पीछे पे, और फिर शॉपिंग वगैरह कर ली सारी, और जैसा मैं चाहता था कि मतलब कि मैं क्लोजिंग दिखाऊँ आपको आगे केदारनाथ की, इसके लिए मैं यहाँ आया था, और वापस में वही क्लोजिंग दिखाने के लिए आपको वापस वहीं जा रहा हूँ मैं। तो यार दोबारा आपके लिए मैं ऐसे दोबारा से 22 किलोमीटर नीचे आके ऊपर वापस चढ़ रहा हूँ, तो एक लाइक एक कमेंट और शेयर तो बनता ही है, इतना तो कर सकते हैं आप लोग, बाकी थोड़ी देर में बस स्टार्ट करते हैं यहाँ से, अभी रुके हैं यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम लगाने के बाद भाई लोग आके सामान लेके लाला के पास चलाए, तो देखो क्या क्या लाए, देखो आज अब तो इस बार तो मजा आने वाला एकदम, छन्नी भी है, सब सब कुछ है, सब सब कुछ है, सारी चीजें लेकर आया, कोई कमी नहीं है। कल परसों, कल मैं जब परसों गया था मैं तब तो अकेला गया था, और पत्तल देखो, पत्तल, और ये देखो पत्तल डिस्पोजर, अभी जो सारी व्यवस्था हो चुकी है यहाँ पे फिलहाल, ऊपर धमाल मचाएंगे ऊपर, तो इस बार फुल मजे करने मतलब हमारे अभी कितनी है आज 25 तारीख और नहीं 24 है ना, आज 24 तारीख का हमारा दिवाली आएंगे, दिवाली तो वहाँ मनाएंगे महादेव के वहाँ, बाकी हम आएंगे 27 तारीख वहाँ से, जब कपाट बंद होंगे, कपाट बंद होते हैं हम भी वापस आ जाएंगे 27, तो 3 दिन के पूरा राशन लेके आ चुके हम लोग, इस बार तो मजे आने वाले हैं, बाकी बाकी रास्ते का तो सीन आपको दिखाऊंगा नहीं मैं, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, आपने ऐसे देखते तो होंगी कोई बात नहीं फिर भी, लेकिन रास्ते में दिखाऊंगा सीधे वहीं जाके मिलते हैं आपसे। तो अभी हम लोग रुके हैं, तो 4 घंटे के बाद रुके, अभी मैगी के बाद फिर चाय के लिए रुके हैं, फिर चाय हमने और अमूल दूध पी लिया अभी, बाकी नमकीन है, बाकी बाबा जी भी हमारे साथ बन गए कल रात वाले बाबा, कल रात इस सारे ब्लॉग में मिले थे हमको ये, बाकी अभी यहाँ से शाम चल रहे हैं। फाइनली अभी मैं डिस्टेंस कवर कर चुके हैं अभी हम लोग, और अभी मेरे साथ मैं अपने साथ ही ले आया, आज मैं झंडा ले आया क्योंकि कल टीम इंडिया जीत चुकी है, इसलिए हम बाद में झंडा केदारनाथ पर चढ़ाएंगे। क्या आपको पूछना है? हाँ ले लो आ जाओ। तो वैसे नॉर्मल तो मैं नॉर्मल जब परसों नॉर्मल आया था उसमें कोई इतना ध्यान नहीं रहता,
बाकी जैसे झंडा पकड़ा हाथ में मोबाइल चाहिए, कोई जैन कर रहा है, कोई पूछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मजा आ रही है झंडे का। बाकी झंडे को हम सबसे ऊंची चोटी जहाँ तक जा सकते मतलब वहाँ तक फहराएंगे, इसको उतने पर फहराएंगे। A few hours later. तो यार अभी हो रहे शाम के 6:30 हो चुका है, अंधेरा पूरी तरह हो चुका है और परसों की तरह आज फिर मेरे को अंधेरा मतलब आज बहुत टाइम लगा, आज हमें फिर अंधेरा हो चुका है। बस फर्क इतना है उस दिन मैं अकेला था, आज मेरे साथ 2-3 लोग और हैं, तो चलो चले। तो फाइनली रात को 8:30 हो रहा है और केदारनाथ पहुँच गए और यहाँ दिवाली सेलिब्रेट हो रही है उसी तरह। ये देखो हैप्पी दिवाली, आग लगा रखी है बढ़िया सी, और मंदिर वहाँ पर है थोड़ा सा, अभी यहाँ से वहाँ भी थोड़ी देर में जाते हैं, भाई गाने वगैरह बज रहे हैं यहाँ पे। हैप्पी दिवाली, सब कुछ ला दो, सब कुछ ला दो आज, चलो चलो आते हैं। सर साथ में, थोड़ा साथ में, तो फाइनली यहाँ पहुंच चुका हूँ, अभी बजे 9:30 और 9:30 बजे 10 बजे हम घर से वहाँ से चले थे गौरीकुंड से, अभी 9:30 हो रहा है, इस टाइम पे हम पहुँचे यहाँ मंदिर पे। और आप सभी को विश यू हैप्पी हैप्पी दिवाली आप सभी को, माफी चाहता हूँ थोड़ा लेट विश हो रहा है, लेकिन केदारनाथ में दिवाली मनाने थे इसलिए थोड़ा हो गया है जो भी था, बाकी माफी चाहते हैं हम इसलिए। और आपको हैप्पी दिवाली, और इधर सामने का व्यू मंदिर जहाँ पे भी हम दिवाली मनाएंगे आगे जाके, और होटल देखो जैसे फुल हो रहे एकदम। तो यार ये लोग फाइनली केदारनाथ में दिवाली मनाओ, हरे हरे महादेव, चारों तरफ भीड़ी भीड़ है रात के टाइम में भी, और इसको पटा के तो ऐसा कुछ है केदारनाथ का सीन, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है अभी। हैप्पी दिवाली आप सभी को, हैप्पी दिवाली, हर हर महादेव। हैप्पी दिवाली, तो ऐसा उसका मंदिर सीन। बाकी अब जाते हैं यहाँ पे कहीं टेंट वगैरह लगाते हैं, तो यार दिवाली का सेलिब्रेशन तो आपको दिखा दिया है मंदिर का, बाकी अभी जा रहे हैं हम कैंपिंग एरिया साइड में कहीं कैंप लगाते हैं, तो खाना वगैरह भी खाना है, अभी खाना भी नहीं खाया है। तो भाई ये जगह यहाँ पे, यहाँ पे कैंपिंग के लिए हमको जगह मिल गई है, चार्जिंग का मिल जाए तो सही हो जाए, और भी बाकी रात काट नहीं है आज बस हो गया। तो अभी समय हो रहा है 10:30 बज चुका है, और हम लोग खाना पीना खा के आश्रम से आ चुके हैं वापस। बाकी कौन बोलता है कि केदारनाथ में खाने पीने की व्यवस्था नहीं, फिर गिर के यहाँ एक आश्रम है वहाँ पे हमने भरपूर खाना पीना खा लिया है। तो यार फाइनली कल रात 9:30 बजे हम यहाँ केदार बाबा के दरबार पहुँच चुके थे, उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हमने उसके बाद टेंट वेंट लगा लिया था वहीं पे, और खाने के लिए भागे थे बाबा खाने के पंडाले पर आगे थे आश्रम में, वहाँ हमने खाना वाना खाया, उसके बाद रात को 10-12 बजे चुके थे, उसको उठने का फोन चार्ज करने के बाद अभी आज तो 25 तारीख है, और आज है सूर्यग्रहण, दरबार में मतलब बाबा के दर्शन हो जाएंगे, तो आज हम ट्रैकिंग करके बाकी देर सुबह सुबह हेलीकॉप्टर से आ रहे हो नीचे को, और सामने लोग से ज़्यादा लोग घर को वापस जा रहे हैं लोग, और इस तरह यहाँ कुछ नज़ारा है सुबह सुबह केदार वैली का, सामने खूबसूरत खूबसूरत से घाटी है, और उसके बाद नीचे ऊपर पर्वत, नीचे बंद बाबा का दरबार है वहाँ। A few moments later. तो फिलहाल कल रात हमने यहाँ पर लगाई थी टेंट, देखो ये जो गई टेंट, और अभी मॉर्निंग होगी तो अभी ब्रेकफास्ट बनना है, ब्रेकफास्ट में मैगी बन रही है, देखो मैगी बना के दिन काटने हमने, तो बाकी 2-3 दिन यही काटने हैं अभी। ओए माय यू मेडिक भाई, अपना कलाकार दिखा रहे हैं, ये देखिए प्याज काट रहे हैं, अरे हमारे आदि भाई मैगी नहीं, ना सही बात है, अरे भाई गैस कम है ना,
और ये देखिए छोटे छोटे अभी सीख रहे हैं। कभी किया नहीं नहीं नहीं, नहीं शुरुआत जरूर अच्छी बात है, अच्छे हर चीज़ की पहली शुरुआत होती है। तो यार अभी जस्ट मैगी के लिए प्याज वगैरह काट रहे थे, बाकी नीचे हम पर बैठ के प्याज वगैरह काट रहे थे, नीचे भाई लोग चुपके चुपके हमें सूप सूप बना के पी रहे थे। तो हम लोग नीचे आए, हमने सूप मांग लिया भाई लोग से, देखो क्या प्यारा सूप बना के मस्त एकदम, ये देखो मस्त वाला सूप, तीन चार भाई लोग हैं, बाकी हमने मांग लिया इनसे थोड़ा बहुत, बस दिन का ट्रैक ऐसे भी कुछ भी खा पी के कर ले, दिन काटने हो गया। भाई लोग कहाँ से हो आप लोग? गुजरात से। सब के सब? हाँ गुजरात से। बढ़िया सही है, तो भाई लोग गुजरात से हैं और इनने किया है मांगने का काम शुरू। भाई लोग का प्यार है भाई बस। तो आज सूर्यग्रहण है, आज मंदिर तो बंद है, इसलिए लोग सिर्फ बाहर से आके फोटो वगैरह खींच रहे हैं, बाहर से दर्शन कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे अपना मैगी वगैरह बनना है, ये देखिए ऐसा कुछ मैगी है, चार मैगी बनी है लेकिन थोड़ा छोटा बढ़ गया तो और ज्यादा मैगी बनाते हैं, मैगी खाते खिचड़ी बननी है। अभी चावल भीग रहे हैं यहाँ पे, तेरे चावल भिगाने डाल रखे हैं, चावल भीगते से अभी खिचड़ी बनेंगे, फिर उसके दिन भर रेस्ट करेंगे और कुछ करेंगे आज। और आज एक भी केदारधाम का मंदिर बंद है, कल केदारधाम का मंदिर खुलेगा, कल दर्शन करेंगे और परसों टोली के साथ नीचे, जिस चीज के लिए मैं यहाँ आया था दोबारा आया हूँ वो परसों होगा। सफाई चल रही है, क्योंकि बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ के, सब लोग जो है रील और फोटो वगैरह खींचते हैं, बाकी दो लोग सफाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे देखने को मिली है अभी, बाकी सब तो अपने सेल्फी वगैरह में लगे, हम भी अच्छे एक हैं, फोटो खींचने का काम मिला गया यहाँ पे। फाइनली सुबह की मैगी होगी रेडी, देखो ये सुबह की मैगी भाई लोग पता है बिना बताए मेरे को खाने लग गया। देखो फिलहाल अभी बाबा पानी की जी के वहाँ से हम चार लगा के आ गए, फोन वगैरह सब कुछ, बाकी एक भाई और हमारे साथ आदित्य भाई, कहाँ से हो? तो भाई को परसों जिससे मैंने नीचे वार्ता से मिले थे वो रास्ते में, तो मैं बोल रहा था मिलने के लिए इससे भाई से, इसलिए मैं वापस दोबारा आया भाई से मिलने के लिए, और थोड़ा बहुत और काम किए थे इसलिए भी आ गया, बाकी मेरे को लास्ट सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी देखते हुए इसलिए भी वापस आया हूँ, बाकी भाई के साथ चार्ज लगाने के लिए देखो पूरा सेटअप लेके चल रहे चार्ज लगाने के लिए, इतना भंडार उठ गया फोन में, 15-20 फोन है, 10-12 दो तीन GoPro वगैरह है, सब कुछ चार्ज लगा के सब लोगों ने हुए, बाकी बाबा बर्फानी जी की कृपा है, सब कुछ खाने में हो गया, रास्ता नहीं किया चाय और उसको मिल लेते हैं रास्ते में, बाकी सब कुछ मिलता है वहाँ बढ़िया है। तो यार इट्स टाइम टू मैगी खाने के बाद चाय बनाने का, दोपहर हो रही है अभी 12 बज रहा है, और ये रात बना पीछे जहाँ हमने कैंपिंग वगैरह करके और हम जा रहे हैं चाय बनाने के लिए, ये रात चाय का सामान, चाय पत्ती चीनी वगैरह वगैरह सब कुछ है जो जो लगता है चाय में, आते हैं टाइम पास करने के, मंदिर के दर्शन हो नहीं रहे और मंदिर के दर्शन से बहुत खाली है, और ये अभी चाय बनाते हैं नीचे रिवर साइड में जाके, ये रहा लोकेशन दिखाता हूँ आपको, ये देखो हेलो गाइस, नीचे बननी चाय यहाँ पे, देखो अच्छी जगह नहीं मिली गई तुम्हें, धूप में देखो यहाँ पे। तो एक भाई और जुड़ गया हमारे साथ, देखो ये महाराष्ट्र है भैया, हेलो आई एम दर्शन फ्रॉम महाराष्ट्र, और ये हमारा आदि भैया, ये आज जुड़ा अपना सामान, लो बनाओ चाय, तो ऐसी लोकेशन है यहाँ पे चाय बनाएंगे हम अभी, गर्मा गर्म चाय बनाते हैं और चाय का लुत्फ उठाते हैं, क्योंकि दिन भर हमको टाइम पास करना है आज कैसे भी करके। तो यार ऐसा कुछ यहाँ का सीन है भैया, लाइटर वहीं है और चाय की पूरी व्यवस्था वहाँ पहुँची, सब कुछ चूल्हा लग गया लेकिन लाइटर नहीं आया अभी तक, बाकी अभी ऐसी दिन की हालत हो रही है, मतलब वहाँ पे गर्म हो रहा है यहाँ पे ठंडा हो रहा है, कि यहाँ पे हवा चलिए ऐसा हो रहा है, मतलब टेम्परेचर हर जगह पे अलग लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर है, हवा चलिए गंदी वाली, सुबह से इतने कपड़े बदल चुका मतलब कभी गर्म हो रहा है ठंडा हो रहा है, और बाकी चाय बनाते हैं, चाय बना के बाद मिलते हैं आपसे। फाइनली अभी यहाँ पे चाय वगैरह होगी, सुबह का नाश्ता वगैरह हो चुका है, सब कुछ हो गया है, और अभी बननी अभी इंस्टाग्राम की रील वगैरह बननी, भाई लोग हमारे सामने देखो, ये देखो सामने लगे पड़े थे सब लोग। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि एक तो मतलब अलग अलग लोग हैं, यूपी से भी लोग हैं, दिल्ली से भी है, महाराष्ट्र से भी है एक भाई, तो अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेज सीखने को मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, बाकी अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, इसी के साथ करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ।